अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 6 फॉर टीएनएस एसेंशियल्स ऑन उर्दू आइडिया एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज के लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम नेट और ट्रांसपेरेंट बोर्ड के बारे में समझेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जोन को क्रिएट करना सीखेंगे और इंटरफेसेस के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वीडोम क्या होता है, वर्चुअल डोमेन्स किसे कहा जाता है या उसके बेनिफिट क्या हैं हमारे फोर्टिगेट के एनवायरनमेंट में, और एक फीचर पढ़ेंगे वर्चुअल वायर पेयर का और इसका फंक्शन कैसे परफॉर्म हो सकता है। ये हम साथ ही साथ थोड़ी थ्योरी भी देखेंगे और फिर उसके लैब भी परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर फायरवॉल को का कंसोल देखा था और उसके टाइप्स देखे थे कि कितने तरीके से हम कंसोल ले सकते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट किए थे, न्यू यूज़र क्रिएट किया था, फिर उनके ऊपर कुछ पॉलिसीज हमने कॉन्फिगर करके देखा था कि कौन पॉलिसीज उसमें कैसे वर्कआउट करती हैं, और होस्ट नेम वगैरह क्रिएट करना देखा था कि फायरवॉल का होस्ट नेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपका डिस्क्लेमर और प्री एंड पोस्ट बैनर्स हमने देखे थे लगा के कि वो कैसे हम लगा सकते हैं, फिर फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी मोड के बारे में वहाँ पे देखा था कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट का लेक्चर जो हमारा था वो टोटली हमारा लैब बेस्ड था। तो आज के लेक्चर में भी हम लैब करेंगे पर उसके साथ ही साथ थोड़ी थ्योरी भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज के लेक्चर के में कुछ दो तीन न्यू एक टर्म्स आएंगे जो कि आपके लिए समझना पहले ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग मोड्स। तो ऑपरेटिंग मोड्स फोर्टिगेट में दो तरह के होते हैं, एक आपका नेट मोड कहलाता है और दूसरा आपका ट्रांसपेरेंट मोड। और नेट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड, नेट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड में फ़र्क क्या है थोड़ा ये देख लेते हैं। नेट मोड जो है आपका एज अ राउटर की तरह परफॉर्म या वर्कआउट करता है फोर्टिगेट में, और इसमें जो जैसे आप किसी भी अदर डिवाइसेस का देखेंगे, सिस्को का देखेंगे, तो वहाँ पे जो राउटर होते हैं वो एसआई लेयर 3 या आईपी एड्रेसेस के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली जब फोर्टिगेट का मोड आप नेट मोड सेट करते हैं तो वो सिमिलरली ऐसे ही परफॉर्म करता है जैसे आपके नॉर्मल राउटर्स करते हैं। तो नेट मोड में आप इंटरफेसेस के ऊपर आईपीज भी दे सकते हैं, और दूसरा यह है कि इसका मेजर जो फ़र्क है आपके नेट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड में वो ये है कि जिस वक्त आप अपने फोर्टिगेट को नेट मोड में रखते हैं तो वो आगे जो है आपके जो मैक एड्रेसेस हैं वो चेंज कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू अपनी फोर्टिगेट के मैक एड्रेसेस के साथ। तो ये थोड़ी एक लाइन पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फोर्टिगेट राउट्स आईपी पैकेट्स बेस्ड ऑन द आईपी हेडर इंफॉर्मेशन Override the source MAC address. So, if a client sends a packet to a server, connect to a different FortiGate interface, the packet will arrive at the server with a FortiGate MAC address instead of the client MAC address. अब होगा क्या? Basically, जब भी आपका कोई भी server या कोई भी client एक दूसरे से communicate करेंगे, तो बीच में FortiGate क्या करेगा? उस MAC address को नेट कर देगा अपने नेट मेक एड्रेस के साथ। सो डेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सर्वर और मेक और क्लाइंट डज नॉट शो टू अदर एंड। इसी तरह से अगर हम ट्रांसपेरेंट मोड को देखें तो ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा, वो एज अ वर्क परफॉर्म करेगा ओएसआई लेयर 2 के ऊपर, मतलब कि आपका जैसे स्विचेस वगैरह परफॉर्म होते हैं ब्रिज मोड में, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट ब्रिज भी कहते हैं इस मोड को, और नेट मोड को हम राउट मोड भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि फोर्टिगेट में जो हमारा ट्रांसपेरेंट मोड होता है उसमें जब आपकी ये इंटरफेसेस होते हैं उनके ऊपर आप आईपी नहीं दे सकते, वो जस्ट ऑन द लेयर 2 के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या होगा, जो मेजर हमने फ़र्क देखा था ऊपर एक नेट मोड में कि वो आपका फोर्टिगेट आपके बिहाफ के ऊपर आपकी आगे इंफॉर्मेशन लेके जा रहा था, पर यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मोड में व्हेन द क्लाइंट रिसीव अ पैकेट फ्रॉम अ सर्वर कनेक्ट टू अ डिफरेंट फोर्टिगेट इंटरफेस द फ्रेम कंटेन्स सर्वर्स रियल मेक एड्रेस एंड डज नॉट रीराइट द मेक एड्रेस ऑफ द फोर्टिगेट। तो ये थोड़ा इन दोनों मोड में डिफरेंस है। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि ये मोड कैसे सेट कर सकते हैं हम, और बेस्ट जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो नेट मोड यूज़ होता है। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ,
शायद मैंने आगे की हो, नहीं लिखी है। अच्छा तो होता क्या है कि नेट मोड में अगर आपके पास कोई भी ब्रॉडकास्ट डोमेन जनरेट होता है तो वो विद इन द सेम इंटरफेस में रहता है या फिर सेम वीलेंस में रहता है, पर ट्रांसपेरेंट मोड में अगर आपका कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है तो वो ऑल ओवर द इंटरफेसेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट डोमेन रन करता है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। और ये हम अपने प्रैक्टिकल में भी थोड़ा इनके मोड के बारे में और मजीद भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पिक्चर्स। इन पिक्चर्स डायग्राम में मैंने ये आप देख सकते हैं, नेट मोड में हर आप जो भी आपका इंटरफेस होगा वो उसके ऊपर एक आईपी एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर यही चीज अगर आप उसमें देखेंगे ट्रांसपेरेंट मोड में, तो वहां पर आपके पास नहीं होगी कोई वैसी, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होती है, स्विचिंग, ठीक है, कोई भी राउटिंग बेस परफॉर्म नहीं होती। और दूसरा यह कि उसके लिए सिर्फ आपको एक क्या चाहिए होता है, डिफॉल्ट गेटवे, या जिसको आप मैनेजमेंट आईपी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्क होता है आप इन दोनों में, फोर्टिगेट हैज मैनेजमेंट आईपी एड्रेस ओनली, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट और नेट मोड का थोड़ा डिफरेंस मैंने कहा था आपको बताता हुआ चलो, क्योंकि ये दो मोड्स मोस्टली आपको नजर आएंगे आपके 48 के डैशबोर्ड के ऊपर भी, जब हम 48 का डैशबोर्ड भी लेते हैं तो वहां पर भी ये चीज आपको नजर आएगी। फिर आ जाते हैं कि वीलेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, तो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये काफी चीजें आपकी पढ़ी भी होंगी पहले से, आप नोन होंगे बेसिक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है कि वीलेंस हम क्यों क्रिएट करते हैं, वीलेंस का फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है। तो ये चीज तो मैं आपको डिटेल में तो वीलेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको क्रिएशन की दिखा दूंगा, पर ये कि मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर लूँ कि वीलेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली वीलेंस करते क्या है, वीलेंस आपके लॉजिकल नेटवर्क को, बेसिकली आपके वीलेंस फिजिकल नेटवर्क को आपके सब डिवाइड करते हैं लॉजिकल लेयर टू सेगमेंट्स में, ठीक है। तो उसमें आपकी फायदा क्या होता है, जो आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो वीलेंस का मेन यहाँ पे ये भी रोल है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वर्कआउट करता है, ओनली वर्किंग इन नेट मोड। तो जब आपकी फायरवॉल 48 की नेट मोड में ऑपरेट कर रही होगी तभी आप उसमें वीलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल आता है कि वीलेंस क्रिएट करते हैं तो आपके फायरवॉल या 48 किस मोड में परफॉर्म करती है। अच्छा, ये क्रिएशन का है, ये हम अपनी लैब में भी देखेंगे। ये सिंपली आप इंटरफेस के ऑप्शन में जाके इसको इंटरफेस क्लिक करके इस तरह का आपको पास डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होगी, तो ये हम अपनी लैब में परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, दूसरा आज अपनी लैब में हम देखेंगे वर्चुअल वायर पेयरिंग। वर्चुअल वायरिंग पेयरिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये होता है कि दो पोर्ट्स को बंडल करना, पोर्ट्स का पेयर बनाना, जैसे हम LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वगैरह से इसको हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर फोर्टिगेट ने उसको वर्चुअल वायर पेयर के नाम से नाम दिया हुआ है। तो दो पेयर लेंथ को, दो पोर्ट्स को अपना एक पेयर बनाना। द फोर्टिगेट हैज फोर पोर्ट्स ईच कनेक्टेड टू अ डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। अब हमारे पास एक फोर्टिगेट है जिसमें हमारी चार लेट सपोज की पोर्ट्स हैं, और हमने क्या किया हुआ है कि ट्रैफिक इज नॉट अलाउड टू फ्लो बिटवीन ऑल फोर लोकेशन। इन चारों पोर्ट्स के बीच में हम चाहते हैं कि इन दो का ट्रैफिक इन दो के पास नहीं जाए या वाइस वर्सा ना हो, तो उसके लिए हमने पेयरिंग कर दी दो दो पेयर्स की, वेन वन और पोर्ट थ्री की, और पोर्ट टू और पोर्ट थ्री की। वेन वन आपका जो कनेक्टेड है लेट सपोज इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और पोर्ट थ्री आपका कोई एक लोकल एरिया चल रहा है, इस तरह से पोर्ट टू और पोर्ट वन के ऊपर भी लोकल एरिया चल रहा है। तो इस तरह की सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको वर्चुअल वायरिंग का काम आएगा। अब अगर आप देखेंगे कि अगर आपका इंटरनेट यूज करना है इन लेंस के लिए, तो वो इस बंडल के थ्रू आपका इंटरनेट तो रन होगा, पर अगर ये दोनों लोकल एरिया चाहें तो इस इंटरनेट के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि ये पेयर किया हुआ है और इन्हीं के पेयर के बीच में वो रहेगा। अच्छा, तो इन चीजों को हम देखेंगे भी। तो वर्चुअल वायर की थोड़ी बहुत डेफिनेशन या इनकी थोड़े कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी है। लॉजिकल लिंक्स टू फिजिकल इंटरफेस के बीच में होता है, यूजुअली वन इंटरनल एंड वन एक्सटर्नल। बेसिकली होता क्या है, इनकी परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जिस इंटरफेस के ऊपर, दो पेयर के बीच में जो इंटरफेस के बीच में आप ट्रैफिक
ट्रैफिक एक्सेप्ट करेंगे इंटरनल होगा, और दूसरे इंटरफेस से वो एज अ वर्कआउट कर रहा होगा एक्सटर्नल, तो एज अ लोड बैलेंसिंग भी इसमें आपकी परफॉर्म होती है। ट्रैफिक इज कैप्चर्ड बिटवीन दीज इंटरफेसेस, इनकमिंग ट्रैफिक टू वन इंटरफेस इज ऑलवेज फॉरवर्डेड आउट थ्रू द अदर इंटरफेस, तो जहां से आपका इनकमिंग आएगा उस इंटरफेस से आपका आउटगोइंग नहीं होगा, नेक्स्ट वन से आपका आउटगोइंग होगा। अच्छा, दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक्स का, आज के इस लेक्चर का जो फीचर है 48 का, वो है वर्चुअल डोमेन्स। तो वर्चुअल डोमेन्स के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल डोमेन्स क्या हो सकती हैं। बेसिकली हमारे 48 में एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप अपने 48 को सब डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ये पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका मजीद कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। Virtual domains VDOMs are method of dividing 48 unit into two or more virtual units. आप एक या एक से ज्यादा virtual units इस एक 48 के बना सकते हैं। VDOMs can provide separate firewall policies. अब बेसिकली होगा क्या, ये आपका एक ही डब्बा है, एक ही 48 है। आप चाहते हो कि यार मैं इस 48 को ना जो है कि वो different जोन्स में वर्चुअल्स में बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी एक डोम जो है दूसरे डोम से बात नहीं कर पाए, तो ये फीचर कहलाता है 48 में वर्चुअल डोमेन्स का। तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक फायरवॉल है छोटी सी, इसमें टोटल हमने तीन जो है डोमेन्स बनाए हैं, एक रूट, एक वी डोम वन और एक वी डोम टू। अब इन तीनों डोमेन्स में बहुत सेग्रीगेशन होगी, हर लेयर की सेग्रीगेशन होगी, जैसा कि आपके इस वी डोम की पॉलिसी इस वी डोम से बात नहीं कर रही होंगी, इसी तरह से वाइस वर्सा, हर एक वीडियो में हर फीचर आपको सेपरेटली अवेलेबल होगा। उसकी राउटिंग हो गई, उसके इंटरफेसेस हो गए, उसकी आपका पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग होंगी। और जो दो मोड हम पढ़ के आए पीछे अभी इसी लेक्चर में, ट्रांसपेरेंट और नेट मोड, तो इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप रूट को अगर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, और नेक्स्ट वन को आप नेट मोड में चलाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो इतनी सेग्रीगेशन आप इन दो के बीच में कर सकते हैं। VDOM let you split your physical 48 unit into multiple virtual units. The resulting benefit range from limiting transparent mode ports to simplified administration to reduce space and power requirement. अब इसका फायदे भी हम देख लेते हैं, आगे के स्लाइड में मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि VDOMs बनाने का फ़ायदा क्या होगा और VDOM कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको आगे चल के इसी लेक्चर में थोड़ी लेट परफॉर्म कर दें तो आपको वहाँ पे दिखा दूंगा कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट VDOM जो है 48 में डिसेबल होता है, ठीक है, तो इसको इनेबल करने के लिए कमांड है, वो मैं आपको दिखा दूंगा और वो बता दूंगा। जब आप ये बाय डिफॉल्ट ऑन करेंगे तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट VDOM चलता है वो रूट VDOM कहलाता है, ठीक है। आपके पास जब कोई भी VDOMs की सर्विसेज इनेबल नहीं होंगी तो जो आपका मेन फायरवॉल जिसमें वर्कआउट कर रहा होगा उसको हम रूट VDOM कहेंगे, ठीक है। जब हम जैसे ही ये फीचर इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक रूट VDOM सेपरेट बन के आ जाएगा। अच्छा, ये लिखा भी हुआ है कि ये नॉट विजिबल बट इट इज स्टिल देयर, ये जाहिर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट डैशबोर्ड दिखाया था वहाँ पे ऐसा कोई रूट का नाम नहीं था, ग्लोबली था, पर यह है कि वो आपको जब इनेबल करेंगे तो ये फीचर आपके पास सामने आ जाएगा, हम देखते हैं इसको भी। अच्छा, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक VDOM के ऊपर आपका एक नेटवर्क चल सकता है, दूसरे के ऊपर दूसरा, तो बिल्कुल सेग्रीगेट हो सकते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स थोड़े देख लेते हैं। मैंने कहा इसको बेनिफिट में इजियर एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स होंगी तो आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। तो रेदर देन कि आप मल्टीपल फायरवॉल्स परचेज करें तो ये फीचर आपका एक ही फायरवॉल के ऊपर क्रिएट हो सकता है। कंटिन्यूड सिक्योरिटी, रेदर देन कि आप मल्टीपल फायरवॉल्स के ऊपर लाइसेंसेस परचेज करें, आप एक ही फायरवॉल में एक ही वर्कआउट कर सकते हैं। और सेविंग इन फिजिकल स्पेस एंड पावर, ऑब्वियसली कि जब आपके पास पांच फायरवॉल्स हों और आप एक ही फायरवॉल से वो सारा काम ले रहे हैं तो उसके साथ आपका क्या होगा कि स्पेस भी आपको इतनी नहीं रिक्वायर्ड होगी और ना ही इतने पावर कंजप्शन होगी और ना ही आपको हार्डवेयर क्वालिटी का एक
होगा कि यार मेरा हार्डवेयर ना फॉल्ट हो जाए, तो इस तरह से ये चीजें हैं। पर इसके डिसएडवांटेज ऑब्वियसली हैं कि अगर आपकी वो फायरवॉल एक बैठ जाती है तो आपके वो पांच ही जो सेग्रीगेशन हुई है वो आपके लिए नहीं रहेंगे, तो इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। फिर आपकी मेमोरी कंजप्शन वगैरह का भी एक पार्ट आ जाता है, जिसको भी एक रख सकते हैं। मैं आपको लैब में भी दिखाऊंगा कि वो कैसे क्रिएट होंगी और हर किसी की यूटिलाइजेशन कैसे होंगी, या मैक्सिमम आप कितने VDOMs बना सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपकी फायरवॉल के मॉडल वगैरह के ऊपर। अच्छा, इसका मेजर जो होगा वो ये यहाँ पे फायदे में होगा, मोर फ्लेक्सिबल मैनेज्ड सिक्योरिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर MSSP कॉन्फ़िगरेशन। अब बेसिकली होता क्या है, ये ISPs के लिए वो कह रहा है कि बहुत फायदे में रहता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ISP के पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो वो क्या करते हैं कि यार बिल्कुल ही सेग्रीगेट हो मेरा एक क्लाइंट दूसरे से, तो वो ये फीचर इनेबल करके उस अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे इनेबल किया जाता है, ये कुछ कमांड्स मैंने वीडियो में लिखी थी, ये दो कमांड्स हैं उसको इनेबल करने की, हम लैब परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसमें ये चीज़ें आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। अच्छा, मेरे पास जो फायरवॉल कनेक्टेड है वो वही हार्डवेयर फायरवॉल है जो लास्ट टाइम जिसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे थे। अच्छा, उसकी IP बाय डिफॉल्ट ये होगी। आई होप सो कि मेरी फायरवॉल कनेक्टेड हो। अच्छा, मेरी वायर्स डिस्कनेक्ट हो गई है, 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, ये बैनर्स आपने देखे होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बैनर्स कॉन्फ़िगर किए थे, तभी वो वही है। मैंने उसके बाद इसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं है, मैंने कहा दोस्तों के साथ ही कुछ इसके ऊपर न्यू फीचर्स वगैरह देखते रहेंगे हम। अच्छा, तो ये वो डैशबोर्ड है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये मेरा मोड नेट मोड पे सिलेक्ट किया हुआ है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसके इंटरफेसेस के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये नेटवर्क के अंदर आपके इंटरफेसेस का पोर्शन है, आप यहाँ पे आके अपने इंटरफेसेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी 4860D जो है उसके कुछ जो भी फिजिकल इंटरफेसेस हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था मेरा लेन जो है कनेक्टेड है लेन नंबर 1 के ऊपर, तो ये ग्रीन हो चुका है, बाकी मेरे अभी कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है तो वो ऑफ है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको याद होगा कि हमारी फायरवॉल ने IP उठाई थी 192.168.1.101, तो ये उसका DHCP पूल कॉन्फ़िगर है। इसमें हार्डवेयर स्विच बना हुआ है, बेसिकली बंडल बना हुआ है इन 7 पोर्ट्स का, और 7 पोर्ट में से उसके ऊपर DHCP इनेबल किया हुआ है। तो जैसे इन 7 पोर्ट से कोई भी आप केबल लगाएंगे तो मेरे पास IP इसी DHCP पूल की आनी थी, ठीक है। और उसकी DHCP की रेंज, ये DHCP के ऊपर हम एक लैब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इसके फीचर्स होते हैं। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये इंटरफेसेस दिखाना चाहता था कि इसमें इंटरफेसेस कैसे होते हैं, और ये 3 टाइप के आपके वैन कनेक्ट इंटरफेसेस हैं, वैन 1, वैन 2 और DMZ। अच्छा, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि VLAN कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएट न्यू में जाके ये आप देख रहे होंगे आपके पास 3 तरह के टाइप्स आ रहे हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करना, एक जोन क्रिएट करना और एक वर्चुअल वायर पेयर करना। आज हम इन तीनों को देखेंगे कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेसेस के बाद आपके पास ये आ रहा होगा कि इंटरफेस का नाम क्या रखना है। हम कहते हैं इसको हम रख देते हैं टेस्ट UI TA, ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी आप रख सकते हैं। अच्छा, इसका टाइप क्या रखना है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। ये लूप बैक इंटरफेस बनाना है आपको, क्या बनाना है, तो अभी हम करंटली क्या बना रहे हैं, VLAN बना रहे हैं। तो VLAN बनाने के बाद आप इंटरफेस मोड का पार्ट भी बता सकते हैं कि क्या ये VLAN
ये जो VLAN है वो कौन से पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड होगा। लेट सपोज मैं इसको कह रहा हूँ कि ये WAN1 के साथ मेरा कनेक्टेड होगा। अच्छा, VLAN ID डिफाइन करनी है आपको, तो VLAN ID लेट सपोज मैं 150 कर देता हूँ। अच्छा, इस जो VLAN आप क्रिएट करें उसका रोल क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, कुछ भी लेन या वेन आपको करना है, लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि ये वेन है। अच्छा, इसमें आपकी एस्टिमेटेड बैंडविड्थ वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें आप आईपी असाइन करनी है, तो वो आप आईपी भी असाइन कर सकते हैं इजीली। लेट्स सपोज मैं इसको दे देता हूँ कोई भी आईपी, अभी फिलहाल मैं इसको दे रहा हूँ जस्ट फॉर। अच्छा, इसका पिन खोलना है, कुछ भी करने फीचर्स आपको मैंने पहले भी ये इंटरफेस CLI पे भी दिखाया था जब हम VM बेस्ड फायरवॉल को देख रहे थे। अच्छा, इसकी स्कैनिंग बोटनेट साइट्स पे हो ना हो, क्योंकि अभी आपने इसको वेन एज कंसीडर किया है। अच्छा, इस इंटरफेस के ऊपर, इस VLAN के ऊपर आप सेकंड IP देना चाहें तो यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आपके कमेंट्स वगैरह। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर मैं इसको रोल देता हूँ आपका लेन का, तो देखिए क्या क्या फीचर आ रहे हैं नीचे। एक और फीचर आ गया आपका DHCP सर्वर का, ठीक है। ये आपने देखा कि अगर मैंने ऊपर रोल जो है लेन वेन का दिया था तो ये फीचर्स नहीं आ रहे थे, तो जैसे ही लेन का दिया है तो लेन के लिए आपके पास DHCP सर्वर का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे DHCP सर्वर भी इसके ऊपर रन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि आप इसमें डिवाइस डिटेक्शन भी इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब आपका लेन है तो लेन के लिए आप डिवाइस डिटेक्शन ऑन कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइस डिटेक्शन में क्या होगा, डिवाइस डिटेक्शन में इस फायरवॉल के ऊपर जो भी लोकल एरिया का सिस्टम या मोबाइल जो भी कनेक्टेड होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपकी फायरवॉल गैदर करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्टिव स्कैनिंग, आप उसके ऊपर अपने जो नेटवर्क डिवाइसेज आ रही हैं उनके ऊपर स्कैनिंग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सिक्योरिटी मोड, कैप्ट पोर्टल वगैरह, ये इसके लिए मुझे एक और लेक्चर या लैब परफॉर्म करवानी पड़ेगी कैप्ट पोर्टल्स के लिए क्या होते हैं, तो वहाँ पर दिखाऊंगा। बेसिकली कैप्ट पोर्टल का यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि इस इंटरफेस के ऊपर जो भी चीज़ आप रन कर रहे होंगे तो उसके लिए जब भी कोई यूज़र कनेक्टेड होगा तो उसके ऊपर एक कैप्ट पोर्टल आ जाएगा, या तो आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, यूजर बेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम एक लेक्चर करेंगे, आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये ओके करने के बाद आपका VLAN क्रिएट हो जाएगा और इस VLAN में ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा कोई ऐसी एंट्री चल रही होगी। अच्छा, इसको शॉर्टली मैं एक टेस्ट डमी के नाम से कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। VLAN कर दिया हम इसको 200 VLAN देख लेते हैं। अच्छा, इंटरफेस में दे देता हूँ इसको WAN2, अभी IP भी हम कुछ भी नहीं देते, जस्ट क्रिएट करके देखते हैं कि क्रिएट हो रहा है या नहीं। डुप्लीकेट एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों दे रहा है, okay, मुझे थोड़ा इसको पीछे आगे देख लेने। ओके, ठीक है, मेरा ये VLAN बन चुका है, ठीक है। वो तभी बेसिकली बार बार जो है ना मुझे ये दे रहा था। इसको आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ भी रही होगी। ये हमने VLAN क्रिएट किया था WAN1 के साथ 150, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दोनों VLANs क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। ये टेस्ट दूसरा हमने बनाया था, इसकी भी ID आ रही होगी 200 के साथ, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा, ये VLANs भी क्रिएट हो गए। अच्छा, इसमें आप जोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जोन्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जोन होते क्या हैं। अच्छा, जोन्स का जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप एक जोन बन क्रिएट करके आप उसमें अपने इंटरफेसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जैसे आपके जोन्स के बीच में क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए बंडल बना सकते हैं, उनके पॉलिसीज के ऊपर एक जनरलाइज पॉलिसीज बना सकते हैं जोन के। तो बेसिकली हमारे पास जो नेटवर्किंग में हम जिनके कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करने के लिए बोलते हैं कि हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक ट्रस्ट जोन होता है, एक अनट्रस्ट जोन होता है, उसी क्रिएट न्यू में जाएंगे और जोन के पार्ट में जाएंगे। अब जोन का नाम एक का हम लेट सपोज रख देते हैं कि ट्रस्ट,
ठीक है, अब ट्रस्ट में आपसे पूछ रहा है कि आपका ये जो ट्रस्ट जोन होगा इसमें कौन कौन से इंटरफेसेस आप इंक्लूड करना चाहते हैं। तो अभी हमने एक टेस्ट का विलियन बनाया था, एक टेस्ट यूआईडीए का बनाया था, तो वो आप इसमें ऐड करते हैं। लेट सपोज मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ट्रस्ट में मेरा सिर्फ जो है ना टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक जोन आ जाएगा और जोन के अंदर आपका वो इंटरफेस आ जाएगा जो आपने क्रिएट किया होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि इसी तरह से आप एक और जोन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप नाम दे सकते हैं अनट्रस्ट। तो उसमें आप कहते हैं कि यार मेरा जो है ना उसमें टेस्ट यूआईडी हो, तो इस तरह से आप दूसरा भी जोन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस जोन के अंदर जो है ना दूसरे भी इंटरफेसेस ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक ट्रस्ट के अंदर मैंने पहले टेस्ट डाला था, अब मैं कहता हूँ यार डीएमजी भी इसमें ही आना चाहिए मेरा, तो एक जोन के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस भी आ सकते हैं। तो तीसरा इसका फीचर ये कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक, अलो करना है या डिसअलो करना है, तो यहाँ से आप टिक मार्क हटा के वो डिसीजन ले सकते हैं। अब इस जोन के अंदर जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, इंट्रा जोन। तो इंट्रा जोन ट्रैफिक आप कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आप इसके थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ये हटा देंगे तो इन दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, अगर इसको आप अलो करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगी ट्रैफिक। ठीक है, ये आप अपने एनवायरमेंट के मुताबिक इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें से जो हमारा स्विच बना हुआ है उसमें से मैं दो तीन पोर्ट्स निकाल लेता हूँ, तो मैं आपको एक वर्चुअल वायर पेयर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दे दूँ कि वो कैसे क्रिएट होंगे। थर्ड हमारा इसमें है वर्चुअल वायर पेयर कैसे क्रिएट होते हैं। जब वर्चुअल वायर पेयर क्लियर करने के लिए आपको ये लाजमी है कि इनके ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेसेस नहीं हो। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं इस 5-6 के ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस खोलूंगा, लेट सपोज पिंग खोल दूंगा, तो ये मुझे इस इंटरफेस के साथ मेरे ख्याल से मुझे क्रिएट करने नहीं देगा हमारा वर्चुअल पेयर। तो थोड़ा देख लेते हैं, लेट सपोज मैं एक टेस्ट क्रिएट करता हूँ इंटरफेसेस में, तो उसमें 5 नंबर। अच्छा ये देखें, अ वर्चुअल पायर मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 इंटरफेस मेंबर, तो ये आप याद रखें वर्चुअल पायर में पेयर में आपके 2 से ज्यादा इंटरफेसेस ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम आप 2 ही इंटरफेसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा इंटर लेट्स सपोज मैं 6 नंबर दे रहा हूँ, इसको जैसे ही मैं क्रिएट करने जाऊंगा ये मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई। ठीक है, ये 2 हो गए। अच्छा, इसमें एक फीचर था कि वाइल्ड कार्ड विलेन। बेसिकली होता क्या है कि जो वर्चुअल वायर पेयर है इसमें कोई भी वीलैन कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है, वर्कआउट नहीं करता। ठीक है, तो ना ही इस इंटरफेस के ऊपर कोई भी आप आईपी असाइन कर सकते हैं, ये इसीलिए तो इसका वाइल्ड कार्ड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वाइल्ड कार्ड के बारे में जो है कि आप इसको वाइल्ड कार्ड जैसे ही वीलेन इनेबल करेंगे तो आपके जितने भी वीलेन चल रहे होंगे वो इससे ट्रैफिक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पर इसके लिए आपको पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो वो पॉलिसीज के पोर्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन फर्दर इंटरफेसेस के ऊपर आप पॉलिसीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और लेब हम करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा पॉलिसीज के बारे में दिखाऊंगा कि पॉलिसीज कैसे क्रिएट करने के बाद एक इंटरफेस की ट्रैफिक दूसरे इंटरफेस के साथ कैसे पार कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको इस लेक्चर में ये विलेंस क्रिएट करना और ये एडिटिंग या आईपीस वगैरह देना समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आ जाते हैं मेन अपने उसके ऊपर कि हम इसमें वीडोम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वीडोम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका फीचर इनेबल करना पड़ेगा। अब आप भी आप करंटली देख रहे होंगे कि मेरे पास जो करंट वीडोम है उसमें कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि कोई वीडोम चल रहा है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताया था कि वो डिसेबल होता है। अच्छा, इसको इनेबल करने के लिए आप इसके सीएलआई मोड में चले जाएंगे। सीएलआई मोड के ऊपर आपको कमांड रन करनी पड़ेगी, कॉन्फिग सिस्टम ग्लोबल। ठीक है, इसमें आने के बाद आपको कमांड है सेट वीडोम एडमिन। अच्छा, इनेबल या डिसेबल, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि ये डिसेबल होता है, आपको करना है इनेबल।
जैसे आप ये करेंगे एंड करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन मांगेगा, यू विल बी लॉग्ड आउट फॉर द ऑपरेशन टू टेक इफेक्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये मैं इसको लॉग आउट हो गया, इसको दोबारा लॉग इन कर रहे हैं। जैसे ही मैं लॉगिन होके आ जाऊंगा तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे डिफरेंस, पहले यहाँ पे डैशबोर्ड था डायरेक्ट, अब आपके पास आ गया ग्लोबल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं ग्लोबल के अंदर वीडोम रूट, तो मैंने आपको बताया था याद होगा अपने स्लाइड में कि बाय डिफॉल्ट आपके पास जो वीडोम चलता है वो रूट वीडोम चलता है। ठीक है, जैसे हमने वो फीचर इनेबल किया तो हमारे पास नजर आना शुरू हो गया, ठीक है, ग्लोबल और रूट। अब सवाल बनता है कि मैं दूसरे इसमें विडोम्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो करने के लिए मैं इसी ग्लोबल, अच्छा इसमें रूट के ऑप्शन पे चले जाएं तो आपके पास ये सारे फीचर्स मजीद आएंगे जो आपके पास ग्लोबल पे नहीं आ रहे होंगे। तो इसकी ग्लोबल मोड की जो मैनेजमेंट होती है वो पूरी की पूरी आपके रूट में होती है। ठीक है, तो हम ग्लोबल में चले जाते हैं, हम एक और विडोम इसका क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सिस्टम, सिस्टम के अंदर आप विडोम्स में जाएंगे, विडोम्स में आएंगे तो आपके सारे विडोम्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी जितने भी आप इसमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी करंटली मेरे पास कितने विडोम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट, उसका ऑपरेटिंग मोड नेट है, उसका इंस्पेक्शन मोड ग्लो बेस्ड है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड प्रोफाइल बेस्ड है। ठीक है, अच्छा दूसरा उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन मेमोरी सारी चीजें आपके पास हैं, उसमें कौन कौन से इंटरफेसेस अभी ऐड है, अच्छा इसमें कौन से इंटरफेस आप ऐड कर सकते हैं ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक कोई विडोम टेस्ट कर लेते हैं, हम बना देते हैं यूआईटी सर्वर का, लेट्स सपोज। ठीक है, अच्छा उसका इंस्पेक्शन मोड क्या रखना है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट ये भी रखते हैं फिलहाल, और इसको कर देते हैं हम क्रिएट, इसको होने दें। अच्छा अब आप देखें आपके पास दो विडोम्स आ गए, एक यूआईटी सर्वर और एक रूट। ठीक है, अच्छा इसमें यूटिलाइजेशन क्या हो रही है ये भी आपके सामने है। अच्छा इसी तरह से आप एक और भी विडोम क्रिएट कर सकते हैं, ये सबको हम कहते हैं यूआईटी लेन के नाम से। ठीक है, इसका मोड लेट्स सो प्रॉक्सी मोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ये दूसरा भी विडोम हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम वापस इसके डैशबोर्ड में चले जाते हैं, आप देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल डोमेन्स का ऑप्शन आ गया है कि आपके पास इनेबल है। ठीक है, अच्छा एक चीज और की एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काम की है जो कि मैं आपको दिखा दूँ। डैशबोर्ड में आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास विडोम्स कितने बने हुए हैं और कितने बना सकते हैं, ये पोर्शन इसमें आप देख रहे होंगे कि विडोम टोटल आप 10 बना सकते हैं 10, और आप अपने अभी तक 3 बनाए तो टोटल यूटिलाइजेशन उसकी 30% भी शो कर रहा है। ठीक है, व्यूज इसमें से जब वापस हम यहीं इस पे आ गए। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि इसके मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, हाँ इंटरफेसेस कैसे आप असाइन कर सकते हैं। अच्छा अभी आपके पास डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हैं और जो इंटरफेसेस सारे किसमें पड़े हुए हैं आपके सब के सब जो है आपके अभी करंटली इस विडोम में है। ठीक है, रूट वाले विडोम में। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे कुछ इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस मेरे किसी और विडोम में भी तो होने चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी इंटरफेस पे चले जाएं, लेट्स सपोज 7 नंबर पे, और 7 नंबर में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास एक अभी ऑप्शन आ गया है वर्चुअल डोमेन, ये किसका पार्ट होना चाहिए, तो लेट सपोज अभी तो ये बाय डिफॉल्ट रूट में, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि यार तुम जो है ना यूआईटी लेन का पार्ट बन जाओ, ओके करता हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ से हो गया। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार डीएमजी जो है ना मेरा जो होना चाहिए वो डीएमजी बाय डिफॉल्ट रूट में रह सकता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो मैं अच्छा वर्चुअल पेयर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं वर्चुअल पेयर भी आप केसी में रह सकते हैं। अच्छा इसमें से मुझे एक और वेन वन को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा तो वेन वन को जो है ना ये भी यूज हो रहा है वर्चुअल डोमेन में, तभी ये जहाँ जहाँ पे यूज हो रहे होंगे ना तभी हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे। बेसिकली इसको मैं एडिट करके ट्रस्ट में से हटा दूंगा ना, तो इसको मैं चेंज कर। ठीक है,
अच्छा, ये रेफरेंसेस से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेट्स सपोज आप ये डीएमजी कितनी जगहों पे आपका इस फायरवॉल में यूज हो रहा है, उस ये रेफरेंस से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो तभी ठीक है। अच्छा, मैं एक और जो है ना यहाँ से एक इंटरफेस ले लेता हूँ, जिसको मैं शिफ्ट करवा सकता हूँ किसी और वीडोम में, जैसे मेरे पास एक एक इंटरफेस हो जाए दोनों वीडोम्स के लिए। ओ नो यार, सॉरी, एक हम मिस्टेक कर रहे थे। आपने देखा कि ये मुझे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा था चेंज करने का? क्यों? क्योंकि मैं अभी अपनी कौन सी डोमेन में खड़ा हुआ हूँ, रूट, मुझे इंटरफेस असाइन करने के लिए ग्लोबल में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल में जैसे ही आ जाऊँगा तो मैं इस इंटरफेस को कहीं भी मूव आउट करवा सकता हूँ, ठीक है। ये मैं एक मिस्टेक कर रहा था, मैं इसको अब यूआईटी लेन में भी कर सकता हूँ, ये डीएमजी में भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले जो है ना रूट पे खड़ा हुआ था और मैं इसको चेंज करने की कर रहा था, तो वो मुझे नहीं करने दे रहा था। अभी मुझे ये भी डीएमजी को भी चेंज करने दे देगा कि मैं इसको जिसमें भी मूव करवाना चाहूँ, ठीक है। तो मैं भी इसको भी यूआईटी सर्वर में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझसे मिस्टेक हो रही थी, तो होपफुली मैंने खुद ही रिकगनाइज कर लिया। अच्छा, वीडोम में वापस जाएंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस वीडोम में कौन कौन से इंटरफेस आ चुके हैं, ठीक है। इस वाले इंटरफेस में मैं आपकी ठीक है, UIT में मेरा 7 नंबर और 4 नंबर है, UIT सर्वर में मैंने DMZ को एंड करवाया, रूट में अभी मेरे पास ये टेस्ट के जो हमने वो बनाए थे विलियंस बनाए थे वो इसमें है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडोम को आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी इनकी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, जैसे ही रूट में आएंगे तो आपके पास एक पॉलिसीज का अलग से पूरा इंटरफेस होगा, ठीक है। आप अलग से उसकी पॉलिसीज वगैरह मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। ये मेरी पहले से एक पॉलिसी बनी हुई है, डिलीट। अच्छा, इसके इंटरफेसेस के आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी इंटरफेसेस का डैशबोर्ड अलग होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पर आप स्टैटिक राउटिंग वगैरह भी जो है इसकी अलग से आप देख रहे होंगे कि जैसे ही जिस भी आप वीडियो में जाएंगे उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना अलग होगी, मतलब कि एक से दूसरे में हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी जो आप चाहते हैं, जैसे पॉलिसीज का पोर्शन हो गया, वीपीएस का हो गया, तो हर वीडियो में आप अपना सेग्रीगेशन आ चुकी है। अच्छा, अब इसमें एक फीचर होता है कि दो वीडोम्स आपस में कैसे बात करेंगे। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि यार ये जो है ना UIT लेन जो मैंने अभी वीडोम क्रिएट किया और UIT सर्वर, ये आपस में बात करने चाहिए, तो उसके लिए एक राउटिंग करनी पड़ती है आपको। उस राउटिंग को कहते हैं वीडोम लिंक्स के, ठीक है। जैसे ही आप अपने ग्लोबल मोड में आ जाएंगे, ग्लोबल मोड में आने के बाद इंटरफेसेस में, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं क्रिएट न्यू में गया तो मेरे पास पहले क्या आ रहा था, यहाँ पर आपके दूसरे वीडोम्स में जाएंगे तो वहाँ पे जोन्स नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर मेरे पास ग्लोबल मोड में आने के बाद मेरे पास वीडोम लिंक्स आ गए। अब आप चाहते हो कि यार मेरे दो वीडोम्स जो है ना आपस में बात करना चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू आपको दिखा दूँ, अगर यार आप चाहते हो कि ये मेरा जोन है, ये मेरा एक वीडोम है, ये मेरा दूसरा वीडोम है, इन दोनों की यार मैं आपस में बात करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको बात करवाने के लिए जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये बात करें, जो ए में है वो बी के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल सेग्रीगेट है, ये आपस में ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि जैसे ये बात करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में लिंक बनाना कर पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिंक क्रिएट करने के लिए हमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको इंटरफेसेस में आना पड़ेगा। इंटरफेस में आने के बाद आपको वीडोम लिंक्स में, अच्छा वीडोम लिंक्स में आपको नाम देना पड़ेगा कि आप इसको क्या देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको दे रहा हूँ UIT, अच्छा सर्वर, लेट्स सपोज कुछ भी दे सकते हैं, सर्वर टू लेन, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल डोमेन कौन सी सिलेक्ट करनी है आपको, दोनों एंड की करनी है, आप एक लेन और दूसरा आप किसके बीच में करवाना चाह रहे हो, UIT सर्वर के बीच में। अच्छा, यहाँ पे आपको एक IP असाइन करनी होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इनके बीच में दे रहा हूँ, ठीक है।
इन दोनों के बीच में आपस में पिंक वाला होना चाहिए। दूसरा मैं इसको आईपी दे दूंगा दूसरी 22/30, और इन दोनों का भी मैं कहूँगा कि पिंक। अच्छा, इन दोनों को इंटरफेस इनेबल होने चाहिए, ठीक है, ओके कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास वीडोम लिंक्स आ गए। लेन सर्वर लेन, लेन वन की आईपी ये है, लेन सर्वर लेन जीरो की है। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि इन दोनों की बात हो, तो हम एक चीज ये कर लेते हैं, यू आई टी लेन में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी देखें वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो हम वीडोम लिंक्स बना के आए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद मैं एग्जीक्यूट पिंग करने की करता हूँ सेकंड एंड पर 10 10 20 1, ठीक है। ये मेरा एक लेन पे पड़ा हुआ था, ये लेन के लिए हमने दिया था। तो सेकंडरी हमने क्या दिया था, 2। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यूआईटी लेन में हूँ और मैं सर्वर फॉर्म को पिंग कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की कम्युनिकेशन हो चुकी है। पर इस तरह की कोई भी कम्युनिकेशन में रूट और लेन के बीच में नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी तक मैंने कोई उनके बीच में लिंक ही नहीं बनाया। तो मैं किस आईपी के थ्रू या किसके थ्रू उनका लिंक बनाऊं, तो इसी तरह से हम फ्रीडोम के लिंक्स भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं सर्वर और रूट के बीच में भी तो बात करवाना करवाना चाहता हूँ ना, तो मैं इसको कर देता हूँ रूट। तो इसको मैं कम्युनिकेशन का नाम दे देता हूँ रूट सर्वर, ठीक है। इस तरह से मुझे एक और पुल असाइन करवाना पड़ेगा। लेट सपोज मैं करता हूँ 10 10 20 2, वहाँ पे यूज किया था 3 को छोड़ के 5/30 10 10 20 6/30, ठीक है। दोनों के बीच में हम पिंग खोल देते हैं, ठीक है, तो इसको कर। अच्छा, अब आप ये याद है कि आप ग्लोबल रूट पे ग्लोबल डोमेन पे बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चला जाता हूँ सर्वर फॉर्म पे ऊपर। सर्वर फॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ से पिंग कर लेता हूँ। अब मुझे इससे एग्जिट होना है। अभी मैं डिफॉल्ट में हूँ, तो मुझे कॉन्फिग वीडोम एडिट सर्वर यूआईटी लेन सर्वर एग्जीक्यूट पिंग 10 10 20.5, ठीक है। एक मेरा 5 था, दूसरे एंड का मैंने क्या रखा था 6, ठीक है। ये यूआईटी सर्वर वाला हमारे आप कौन से डोमेन से बात करेगा, तो ये रूट के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से आप दो विडोम्स की आपस में बात भी करवा सकते हैं, ठीक है। जिसे आपका कुछ सर्वर यहाँ पे डिफाइन होंगे, तो आप चाहेंगे कि इस सर्वर में जो मैंने चीजें रखी हैं, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर लेन पे एक्सेस तो होनी चाहिए ना। इस तरह से आप वो लिंक क्रिएट करके इन दोनों की बात करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे विडोम्स क्रिएट होते हैं। तो ये छोटी सी कमांड थी जो मैं आपने शायद नोट की या नहीं की, मैंने वो यूज की थी कि CLI मोड में मैं एक विडोम से दूसरे विडोम में कैसे एंटर हो सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए ये था कि जैसे ही आप फायरवॉल का CLI लेंगे, तो आप इस मोड में होंगे। तो उसके लिए कमांड है कॉन्फिग विडोम, ठीक है। यहाँ पे आप विडोम में आ जाएंगे। अब आपको एडिट करना है, जिस भी विडोम में जाके आपको वर्कआउट करना है जिसका CLI लेना है। तो इसमें ठीक है, आपके पास क्वेश्चन मार्क के साथ करेंगे तो आपके पास टोटल 3 विडोम्स हैं। तो आप किस में जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप जाना चाहते हैं यूआईटी लेन में, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो आप अभी जो है यूआईटी लेन के CLI मोड में हैं, ठीक है। अब आपको फिर रिटर्न करना है, तो एंड करेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे, फिर आप कॉन्फिग विडोम में जाके एडिट करके यूआईटी लेन नहीं आप सर्वर में आना चाहते हैं, तो आप सर्वर में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी विडोम में जाके वो सारी चीज़ें फिर परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये याद है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। कॉन्फिग विडोम ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या किया आपने, तो
आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा एक विडोम क्रिएट हो गया विशाल के नाम से। क्यों क्रिएट हो गया? तो ये इसलिए क्रिएट हो गया, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा आप करेंगे तो ये मसला आ सकता है। आपने देखा कि मैं जब यहाँ पे कॉन्फ़िग विडोम में जा रहा था, ये मैंने ऊपर कमांड रखी है ना, कॉन्फ़िग विडोम में जाने के बाद मैंने एडिट किया और एडिट करने के बाद मैंने एक नाम लिखा विशाल, तो वो क्या उस कमांड ने क्या इनिशिएट कर दिया, मेरा एक विडोम क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसको विशाल के नाम से कोई भी विडोम नहीं मिला, तो उसने एडिट करके एक न्यू विडोम मेरे लिए बना दिया विशाल के नाम से। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि जब आप एडिट करेंगे तो उसी विडोम का नाम करें जो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, अदरवाइज आप कोई और नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक डोमेन क्रिएट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो उस डोमेन को आप इजीली वैसे तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें रेफरेंसेस आते हैं, आप मैंने आपको ये रेफरेंसेस का पोर्शन बताया ना कि आपके ये विडोम्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है ना, अभी भी अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको इजीली डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट हो गया, पर मैं अगर इसको UID सर्वर को करना चाहूंगा तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंसेस कुछ कॉल हो रहे हैं 5, जब तक मैं इन रेफरेंसेस को क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखो मैं इसके सारे जब रेफरेंसेस डिलीट कर दूंगा तो ये मैं ऑटोमेटिक जो है ये भी डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। एनीवे, तो ये कुछ मैंने विडोम्स के बारे में आपको आज बता दिया। वैसे ये लेक्चर विडोम का जो है ना, मेरा मूड था कि मैं कुछ देर बात करूंगा, पर मुझे लगा कि हम विडोम्स के ऊपर, क्योंकि आगे चल के जब हम अपनी दूसरी लैब परफॉर्म करेंगे एप्लीकेशन वगैरह, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी के लेक्चर में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको बता दूँ। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ आपके आपसे मुलाकात होगी। तो अभी दे इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।